नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोरकुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोर जनहा वंदिता मातंगी मोरकुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि हृदय देवी सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोरेश्वर बोल बम। हम कई बार सुनते हैं कि सवारियां आ रही हैं, बैठक हो रही है, दरबार लग रहे हैं, किसी के ऊपर शक्ति आती, किसी के ऊपर ऊर्जा आती है, तो ये किन लोगों पर आती है? क्या हर किसी के ऊपर आ जाती है? वैसे अधिकतर तो देखने सुनने में यही आता है कि अधिकतर लोगों पर सवारियां आ रही हैं, अधिकतर लोग खेल रहे हैं, अधिकतर लोग मंदिर में हैं जिनके ऊपर शक्ति का प्रभाव है। कुछ लोग बोलते हैं भाव आ रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं छाया आ रही है, कुछ लोग बोलते हैं सवारी आ रही है, कुछ बोलते हैं ऊर्जा आ रही है। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं क्या सभी के साथ होती हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं। इनमें से आधे लोग जो हैं उनको आप ये मान करके चल लीजिए कि उनके ऊपर कुछ शक्ति का प्रभाव है या नहीं है, कुछ ढोंग कर रहे हैं या कुछ सच हैं। उसके अलावा ये भी मान सकते हैं कि उनमें से आधों को नकारात्मक शक्तियाँ। अब जो सकारात्मक हैं, हम उनकी बात करते हैं कि सकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो किन को आती हैं। देवी देवताओं की ऊर्जा जिसको हम कहें वो किसको आती है? तो भूतप्रेतों की ऊर्जा तो कई लोगों को आ जाती है, परंतु हम देवी देवताओं की ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो किन पर आती है? ऐसी क्या उपयोगिता होना चाहिए व्यक्ति में, ऐसी क्या विशेषता होती है उन लोगों में जिन पर ये सवारियां आती हैं? तो देखिए, जो लोग निरंतर भक्ति भाव में लगे होते हैं, अपने ईश्वर, अपने आराध्य इष्ट देव, अपने पितरदेव, अपने कुलदेव, कुलदेवी कुलदेवता जो पूजते हैं, या जिस भी देवी देवता की वो आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, जिसकी भक्ति में वो लगे रहते हैं, हृदय से लगे रहते हैं, ऐसे लोगों पर शक्तियाँ अवश्य प्रसन्न होती हैं। शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, उनके शरीर में आती हैं। यहाँ निरंतर सेवा जो मैं कह रहा हूँ उसका अर्थ ये नहीं है कि आप दिन दिन भर नौकरी धंधा काम धाम छोड़ करके सिर्फ पूजा कर रहे हैं। नहीं, ये बात अवश्य है कि दूसरे लोग जो टीवी देखने में व्यस्त हो जाते हैं, किसी और चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं, इधर उधर गप्पे सप्पे हाँकने में व्यस्त हो जाते हैं, उसके बजाय ऐसा व्यक्ति अपने आप को भगवान में लगाता है। अगर वो बाहर मजबूरी में कहीं बातचीत कर रहा है तब भी उसके मन में चिंतन अपने ईश्वर का होगा, आराध्य का होगा, और वो उनसे ही लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। तो उसके हृदय में बस अपना इष्ट, अपने आराध्य, अपने जिनके प्रति भी वो भाव रखता है वो भाव रहते हैं। तो जिसके मन में 24 घंटे में 8 घंटे सोने में निकल जाते हैं, 2 घंटे नित्य कर्मों में निकल जाते हैं, उसके अलावा बाकी सब पूजा पाठ और नौकरी पानी के अलावा उसका जो भी समय बच रहा है उसको भगवान की भक्ति में लगा रहा है, जहाँ जा रहा है जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान वगैरह वगैरह बोल रहा है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ मुँह से नहीं बोल रहा, वो अंदर से बोल रहा है, बाहर भले किसी को सुनाई ना आए। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन सदैव भगवान के चरणों में लगा है, उससे देवी शक्ति के ऊर्जा और उसके तार जरूर बंध जाते हैं। जिनके हृदय में स्वाभाविक रूप से ममता करुणा दया हो, यानी कि उसे भक्ति भाव का नहीं पता है, उसे नहीं पता पूजा पाठ क्या होती है, उसे नहीं पता कुछ पता है, तो उसके मन में अगर हृदय में एक ममता होती है ना, स्त्री के मन में तो स्वाभाविक ममता होती है, परंतु यदि कोई पुरुष है और उसके मन में भी ममत्व हो, किसी के प्रति दया हो, करुणा हो, तो ऐसे सभी लोगों में जो, या फिर जिस भी भगवान को पूज लिया उसके प्रति उसको विश्वास है कि हाँ भाई जो करेंगे ये करेंगे, वो कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा, बस वो तो एक बार बोल दिया रे जो करना ये करेंगे, सब उनके ऊपर छोड़ देता है, अपने आप को उनके चरणों में डाल देता है, ऐसे लोगों के अंदर भी शक्ति का संचार सवारी के रूप में अवश्य होता है। ये सवारियाँ जब एक बार प्रसन्न हो जाती हैं तो अपने भक्त का कल्याण करती हैं और उसके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, और ये सवारी चाहती हैं कि जो भक्त है, जो मेरी सेवा आराधना कर रहा है, ये इसकी निरंतर भक्ति बढ़ जाए। क्योंकि सवारी देखो, अगर पितृदेव की है या कुल देवी देवता की है तो वो ये चाहेंगे कि ये और उच्चता की ओर बढ़े, आराध्य देवता की तो वो भी चाहेंगे कि उच्चता की ओर बढ़े, और उच्च कोटि के देवताओं में पंच देवता जो हैं सूर्य, गणपति, शिव, नारायण और
सूर्य ये सब पंच देवता जो हैं उच्च कोटि के माने गए इन और इनकी आराधना से परम परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यानी ये पांचों भी जहाँ से आए हैं जिससे जन्मे हैं उनके अंदर व्यक्ति समा जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। ये उस तक पहुँचाना चाहते हैं, आपको वास्तविक ज्ञान देना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको एक गुरु चाहिए होता है जो सही मार्गदर्शन करता है। तो ये क्या करते हैं, गुरु तक पहुंचाने का रास्ता हमको दिखाते हैं, सुझाते हैं, हमको उस ओर प्रेरणा देते हैं, ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हम गुरु की तलाश करना शुरू करें और फिर गुरु की प्राप्ति भी करें, सदगुरु की प्राप्ति करें। तो सवारी अपने भक्त के कल्याण के लिए उसकी परीक्षाएँ भी लेती हैं, भांति भांति के कष्ट भी देती हैं कि देखें ये अब मुझे छोड़ता है या नहीं, ये कब तक मेरे को याद करता है, ये कब तक मेरी सेवा में लगा रहता है। कुछ परेशानियां भी भेजते हैं, जिस बात पर आपको विश्वास हो उस बात को तोड़ते हैं, खंडित करके उसका खंडन भी स्वयं सवारियां करवाती हैं ताकि अब आप उस पर भरोसा कर रहे हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोग सवारी स्वयं मांगते हैं कि हमें सवारी चाहिए, सवारी चाहिए, तो वो सब नहीं होता है। जो निश्चल भाव से सब करते हैं उनके ऊपर ये चीज़ें आती हैं और टिक करके रहती हैं, ये स्वाभाविक रूप से आई हैं, किसी के देने से नहीं आई हैं, है ना। जिस जो देता है वो ले भी लेता है, और जो स्वयं आते हैं चल के तो आप उनको बल्कि बाध्य कर सकते हो, भाई मैंने थोड़ी बुलाया था, आप आए थे, अब आप आए थे तो आप मेरा पल्ला नहीं छोड़ सकते, मैं आपका पल्ला नहीं छोड़ूंगा तो आप भी मुझे नहीं छोड़ सकते। तो एक प्रेम का पारस्परिक बंधन हो जाता है। तो ये परीक्षाएँ लेती हैं, इस परीक्षा में भक्त को जो है सफल होना होता है, और जो भक्त सफल होते हैं उन्हीं पर शक्ति की कृपा होती है और शक्ति प्रसन्न होती है कि हाँ भक्त की जो मैंने परीक्षा ली है वो उसमें सफल हुआ है, और वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहती हैं। असल में उन्हें तो पता है कि आप सफल हो गए या नहीं हो गए, है ना, भूत भविष्य वर्तमान जैसे ज्ञात हो उससे क्या करना, लेकिन वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं और आपको इस दुर्गम जीवन में लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। भक्त जिसने अपने मन को शुद्ध रखना होता है, यानी ऐसे कोई भी भक्त जो अपने मन को शुद्ध रखते हैं, शुद्ध रखने का तात्पर्य यहाँ इस चीज़ से कि आप नैतिकता में हों, आपके आचार विचार व्यवहार अच्छे हों, आपका एक समझ लीजिए कि जैसे संसार कोई कीचड़ का भरा हुआ, कीचड़ से सने हुई जगह है, या कोई पात्र है या कोई तालाब है जिसके अंदर कोई कमल खिल रहा हो, कोई पुष्प खिल रहा हो, और आपको पता है ना कमल भगवान को बहुत प्रिय है, उसका आसन बनाते हैं, उस पर बैठते हैं, उसकी माला पहनते हैं, उसको ही सिर पे भी धारण कर लेते हैं, और वो कमल कीचड़ में उगता है आप सब जानते हैं, और इसकी उपमा हर जगह हर समय दी जाती है। तो हमें स्वयं को इस प्रकार बनाना होता है, और जो अनजाने में भी इस तरह के कर्म करते हैं कि उनके व्यवहार अच्छे हों, वो नैतिकता का ध्यान रखते हों, वो सब कुछ ध्यान रखते हों, अपनी नज़रों में स्वयं को गिरने से बचा लेते हों, दूसरों की नज़रों में गिरना तो बहुत बड़ी बात है, दूर की बात है, स्वयं की नज़रों में भी वो गिरना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से जो लोग होते हैं जिनके आचार विचार व्यवहार होते हैं, सवारी उन पर भी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं या वैदिक परंपराओं से जो गुरु मंत्र ले लेते हैं, जिनको सवारी भक्ताई कुछ नहीं पता है, ठीक है, वो न पंडिताई उनको पता है, बस ये कि सामान्य नियम जो सनातन में चले आ रहे हैं उसका पालन करते हैं, घर परिवार में सुन लिया है, और उनके जो भी कोई कुल गुरु धार्मिक रीति से जो गुरु हैं उनके द्वारा बताए गए अनुसार वो पूजा करने लगते हैं और उनके दिए हुए मंत्र को वो हृदय से तत्पर जपते रहते हैं, उन पर भी सवारियां प्रसन्न हो जाती हैं, और जो आध्यात्मिक गुरु हैं उससे ये सफल होकर के, उनके दिए मंत्र से सफल होकर के, उनके दिए ज्ञान से सफल होकर के, चाहे वो उन्होंने टीवी पर सुन लिया हो या पुस्तक में पढ़ा हो या प्रत्यक्ष रूप से उनके सभा मंडप में जाके सुना हो, किसी भी प्रकार से उन्होंने भगवान नाम का स्मरण किया, उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धि प्राप्त हुई कि भगवान ही उद्धार करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी शक्तियों का जो है इनके हृदय में शक्ति का संचरण होता है, इनकी कुंडलिनियाँ जागृत होती हैं और इनके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि इन्हें सवारियाँ आना प्रारंभ हो रही है, और कई लोगों को सवारियाँ पूर्ण रूप से भी आने लगती हैं, तब उन्हें भगताई के पंडितों की जरूरत पड़ती है, यानी भगत लोगों की जरूरत पड़ती है ताकि वे भगताई के नियम उन्हें बता सकें, उनकी सवारी को साध सकें। ऐसे भक्त जो अनर्गल रीति से कमाए हुए धन का उपयोग नहीं करते या लालच नहीं करते या दूसरे के धन पर नज़र नहीं रखते, पर स्त्रियों की इज्जत करते हैं, पर अगर वो स्त्री है तो पर पुरुषों को इज्जत की निगाह से ही देखते हैं, किसी और दृष्टि से नहीं देखते हैं,
जितना है ईश्वर ने दिया है और जो भी है सब ईश्वर का है, ईश्वर का प्रसाद मान करके ही ग्रहण करते हैं और ईश्वर कृपा में संतुष्ट रहते हैं। अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारियां उनका निर्वहन करते हैं, अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनका भी हृदय शुद्ध है तभी ऐसा कर पाते हैं। ऐसा संभव नहीं होता है, सारी चीज़ें सभी व्यक्ति में पूर्ण रूप से हो नहीं होता है ऐसा, और संभव ही नहीं है। परंतु कुछ कुछ जिन लोगों में ये सब विशेषताएं होती हैं उनके ऊपर सवारियां आने का पूरा पूरा जो होता है, जिसको मैं कहूँगा चांस होता है या पूरी पूरी संभावना होती है कि ऐसे व्यक्तियों पर ये सवारियां आए, और आती भी हैं। और ऐसे व्यक्ति जो अपने अपराधों की क्षमा मांगने में पीछे ना हटे, मैंने गलती की है मुझे क्षमा कर दीजिए, या मुझसे ये अनजाने में हो गया है, जो अपनी गलतियां अपराधों को मानने में संकोच नहीं करते, ऐसे लोगों पर भी देवी देवताओं की सवारियां अति शीघ्र रूप से आती हैं। ये सभी गुण हैं जो उन व्यक्तियों में होना चाहिए। यदि आप में इनमें से भी आधे गुण भी हैं तो अवश्य ही आपके ऊपर भी सवारी आ सकती है। अब ये नहीं है कि आप सवारी आ जाए इसलिए बैठ करके पूजा पाठ करना शुरू कर दें कि ये सब गुण हम में हैं। ये आप मान रहे हो कि आप में गुण हैं, लेकिन क्या उस सवारी को भी ये सब गुण दिखाई दे रहे हैं? मुद्दा यही है कि सवारी को जब उनमें से आधे गुण दिखाई देने लगे तो वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है और आना प्रारंभ कर देती है। पहले होले होले से, फिर तेज तेज से, यानी कि अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ आना प्रारंभ कर देती है। जय मोरेश्वरी बोल बाब। ओम मणिक्यमणावप्लालयन्तीं मदालशां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकोमलाङ्गीं मतङ्कन्यामनसा स्मरामि।